क्वेश्चन में दिया गया है 30 किताब का मूल्य 90 रुपया हो, कितना रुपया हो? 90 रुपया। जोर से बोला, 30 किताब का मूल्य 90 रुपया हो तो 10 किताब का मूल्य क्या होगा? ये ना तुम लोग से नहीं बना। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए, हल लिखा देते हैं ना, यानी हम हल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है कि 30 किताब का मूल्य कितना रुपया दिया गया है? 30 किताब का मूल्य कितना रुपया दिया गया है? 90 रुपया। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है, क्या लिखेंगे? दिया गया कितना रुपये का? 30 किताब कितना रुपये में मिलता है? 90 रुपये में मिलता है। 30 किताब कितना रुपये में मिलता है? 90 रुपये में मिलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक किताब का तो मालूम करना पड़ेगा, तो ना एक किताब का आर्डर लिखते हैं हम। एक किताब कितना रुपये में हो जाएगा? 90। पक्का मिली, जितना रुपया दिया हुआ जितना रुपये में मिलता उतना, जितना किताब मिलता तो 90 रुपये में कितना किताब मिलता है? 30 किताब मिलता है। 30 लिखेंगे यहाँ, देखो 0 से 0 काट देंगे तो क्या बचा? 9/3। अब 3 किया 9, 3 बार निकल जाएगा, यानी क्या एक किताब का कीमत जो हुआ, एक किताब कितना रुपये में मिलेगा? 3 रुपये में। तो 10 किताब लिखेंगे, इसलिए 10 किताब कितना रुपये में मिलेगा? 10 किताब कितना रुपये में मिलेगा? कुछ नहीं करेंगे, एक किताब का दाम है 3 रुपया, उसको 10 किताब खरीदना है तो एक किताब का दाम 30 रुपया, तो 10 किताब हम लोग खरीदते हैं तो कितना देंगे? 10 से गुना कर देंगे, कितना रुपया? यही तो आंसर हुआ।